रायसेन से सरस शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। शिवराज का रायसेन दौरा पूर्व। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ को दी चेतावनी, कहा किसान का कर्ज माफ नहीं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। कमलनाथ ने जनता के साथ छलावा किया है, खुलेआम किसानों मजदूर बेरोजगारों को धोखा दिया है, करोड़ों रुपये में ट्रांसफार्मर किए गए हैं। यदि किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, कमलनाथ की। वहीं खरगोन में किसान की मौत के जिम्मेदार कमलनाथ सरकार के, नाबालिग के साथ बलात्कार। रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के सांसद उदय प्रताप सिंह की सभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बयान में विधानसभा को धोखा हुआ है, बरेली तेंदुखेड़ा से आ जाती तो आज मुख्यमंत्री मैं ही होता, मैं कुर्सी से प्यार नहीं करता, 7.5 करोड़ जनता से प्रेम करता हूँ, कमलनाथ पर वार करते हुए कहा। कमलनाथ गुस्सा होते हैं मामा पर भ्रम फैला रहे हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बिजली पर घेरते हुए कहा है कि हमने कानून बनाया था मासूम लड़कियों से बलात्कार करने वालों को फांसी चढ़ाने का, जब बिजली जाएगी मामा याद आएंगे। दिग्विजय सिंह तो जनरेटर लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने गरीबों का कफन छीन लिया है, मेरी सरकार ने 5,000 रुपये दिए थे वो भी बंद कर दिए, सरकारी कर्मचारियों के दरवाजे पर लात मारते हैं और ट्रांसफर की धमकी देते हैं, ठेकेदारों से जबरिया वसूली की जाती है। पुलवामा में उरी में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान को घुस घुस कर मारा, हमारे लिए देश पहले है, धारा 370 हटा देंगे, देशद्रोही कानून बनाएंगे। मैंने सिमी के आतंकियों को जेल से भागने में ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया था, एनकाउंटर करके सभी मार डाला था। एक वोट से दो काम होंगे, मोदी की सरकार बनेगी, दूसरे प्रदेश की सरकार को सबक सिखाएंगे। सभा में वहाँ कह रहा है खाली खजाना, भोपाल में कह रहा है दिग्विजय के पास खजाना तो खाली है, चाबी है और लुटा दूंगा, चिंता मत करो, तो कभी कहते लुटा दूंगा, कभी कहते खाली खजाना। अब सच का ये तो बता दे, मैं तो भरा पूरा छोड़ के गया था। मध्य प्रदेश में कितनी सीट? बुरहानपुर से हमारे संवाददाता नगीन महाजन की रिपोर्ट। शनि अमावस्या के अवसर पर शनि धाम पर उमड़ा भक्ति का जनसैलाब, 10,000 से अधिक भक्तों ने मत्था टेक की प्रसादी ग्रहण। स्थानीय सुकाना नदी पर स्थित शनेश्वर मंदिर में शनि अमावस्या के अवसर पर शनि उत्साह बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विभिन्न भजन टोलियों द्वारा मनमोहक भजन की प्रस्तुतियां दी गई। क्षेत्र में इस शनि मंदिर का विशेष महत्व स्थान रहता है। दूसरा शनि सिग्नापुर भी कहते हैं और यहाँ जिले के अलावा महाराष्ट्र एवं गुजरात से अधिक संख्या में भक्त पहुँचते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक भक्त शनि दरबार पहुँचे, जहाँ अपनी शनि पीड़ा दूर करने हेतु शनि देव से कामना की। शनि मंदिर ट्रस्ट द्वारा ग्रामीणों के जन सहयोग से यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया गया। से सरस शर्मा की रिपोर्ट। पति ने पत्नी को गोली मारकर खुद को भी मारी गोली। निवाड़ी अंतर्गत ग्राम जखनबाय गांव में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी को गोली मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पति ने स्वयं को भी गोली मारने का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निवाड़ी अंतर्गत थाना टहरका में आने वाले ग्राम जखनबाय में मुकेश कुशवाहा उम्र 35 वर्ष ने अपनी पत्नी राम प्यारी कुशवाहा उम्र 30 वर्ष को आपसी विवाद के चलते सुबह 5:30 बजे 315 बोर के देसी कट्टे से गोली मार दी, जिससे पत्नी राम प्यारी कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुकेश कुशवाहा ने खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया, जिससे गोली उसको छूती हुई निकल गई, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी में कराने के लिए 108 की मदद से भेजा गया। वहीं टहरका थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इसके पहले परिजनों ने बताया कि पुलिस को सूचना इसके पहले भी दे चुके थे, धमकियां दिया करता था। हाँ, ये पारिवारिक विवाद तो था ही, पारिवारिक विवाद है, उसमें समझाइश भी हुई होगी, इसमें पता लगाते हैं क्या होता है।